पाकिस्तान रेंजर्स द्वारा भारी गोलाबारी से गंभीर रूप से घायल हुई सांबा जिले के रंगसू गांव की रहने वाली नन्ही परी की सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। 14 माह की नन्ही परी के गहरे जख्म धीरे धीरे भर रहे हैं। उसकी देखरेख कर रहे डॉक्टरों की टीम का कहना है कि परी की स्थिति अब खतरे से बाहर है, लेकिन उसे लंबे समय तक अस्पताल में रहना पड़ सकता है क्योंकि उसे काफ़ी गहरे जख्म हुए हैं। परी का इलाज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल जम्मू के गहन चिकित्सा कक्ष में चल रहा है। देखो, कल की परी ऑपरेट हो चुकी है एंड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड उसकी एक्सपर्ट लेपरोटमी हुई है, जिसमें उसके जो स्प्लिंटर थे वो सारे बाहर निकाल के अलग से कर दिए हुए हैं। प्लस उसकी जो स्पीडी रिकवरी के लिए हम सारी एफर्ट्स अपने डाली हुई हैं। ICU में 24 आवर्स मैंने ही कल उसको मॉनिटर किया, तो शी इज़ आउट ऑफ डेंजर नाउ। बाकी उसकी जो रिकवरी की बात करते हैं तो इट टेक्स टाइम, इसको टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। बट ये कि अब उसने आज सुबह व्हेन आई ट्राई टू कम्युनिकेट तो उसने कम्युनिकेट भी किया, तो नाउ आई थिंक शी इज़ फाइन। वो हमने कल की ऑपरेट की हुई है, उसको जो है डॉक्टर 24 घंटे लगातार ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो नाजुक नहीं कह सकते, बट ये है कि अंडर सर्वेलेंस है वो हमारे पूरे, उसको हम उसका ट्रीटमेंट उसका अपने जारी किए हुए हैं और हम देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम, अभी भी आपने देखा डॉक्टर आज़ाद मेरे साथ थे, अभी भी हम उसको देख के आए हैं और वी आर सेटिस्फाइड विद द प्रोग्रेस। वहीं परी की मौसी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि परी के परिवार को किसी किस्म की सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई। कि हमको कोई फैसिलिटी नहीं है, फैसिलिटी होती तो ये थोड़ी होता, क्या हो? मकान पूरा खत्म हो गया, कहाँ जाएंगे वो, कहाँ रहेंगे वो, रिश्तेदारों के घर कितने दिन रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्ली टाइम्स।